अपने आंदोलन से महाराष्ट्र को हिलाने वाले किसानों के सामने राज्य सरकार झुक गई है। खबर है कि सरकार ने विधानसभा का घेराव करने जा रहे किसानों की आधी से ज्यादा मांगों को मान लिया है। आज राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस और किसानों के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई थी, जिसमें सरकार ने किसानों की सभी मांगों पर चर्चा की और उनकी परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करने की बात कही है। पूर्ण कर्ज माफी, बिजली बिल माफ, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने और अन्य मांगों को लेकर नासिक से मुंबई पहुंचे किसान सरकार से आर्या पार की लड़ाई के मूड में थे। अपने हक के लिए किसान आज पैदल यात्रा करते हुए विधानसभा का घेराव करने वाले थे, लेकिन अन्नदाताओं के गुस्से से सरकार पहले ही डर गई। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया, जिसके बाद आज सरकार और किसानों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान सरकार ने किसानों की आधी से ज्यादा मांगों को मान लिया है। बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सरकार और किसानों की बैठक काफी सकारात्मक रही। इस दौरान उन्होंने किसानों की तमाम मांगों पर चर्चा की। किसानों ने 12 से 13 मांगे सामने रखी थी, जिसमें कई मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक किसानों को आश्वासन दिया गया है कि 6 महीने के भीतर वन विभाग की जमीन को किसानों को देने पर सरकार फैसला लेगी। मुख्य सचिव की देखरेख में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो किसानों की समस्याओं को हल करेगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द किसानों की परेशानियों को दूर करेंगे। वही किसानों ने भी अब सरकार के भरोसे के बाद आंदोलन खत्म करने की बात कही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।